अब आता है रिजर्व सीट्स वही चीज शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए या फिर वुमन के लिए या ओबीसीज के लिए जो रिजर्व सीटें रखी गई इनको कहा जाता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनका यही मतलब था कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले। जब इनके चुने हुए प्रतिनिधि संसद में बैठेंगे तब इनके जो कानून बनेंगे उन कानूनों में इनके लिए भी सोचा जाएगा, इनकी नजर से भी एक बार को देखा जाएगा। तो ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहे। और जो भी शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट जो भी उस समुदाय से आता है वही वहां पे खड़े हो सकते हैं। अगर फिलहाल करंट लोकसभा में देखें तो 84 सीट्स ये जैसे आ सकता है, 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। 84 शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अब जैसे यहां पे हमें पता चल रहा है कि हाउ पार्टीज फेयर्ड इन द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो ये एक आर्टिकल हमने लिया है। तो जैसे यूपी में शेड्यूल कास्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 17, वेस्ट बंगाल में 10, तो हर राज्य में कुछ पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट की सीट्स हैं और कुछ पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब्स की सीट्स हैं। और इसमें अलग अलग पार्टीज जैसे जैसे जीतती हैं, तो जनरल अगर हम देखें लोकसभा के लेवल पे तो जनरल के लिए 412 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट 84 सीटें, शेड्यूल ट्राइब्स 47 सीटें। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। और फिर इसके बाद जैसे जैसे आगे और हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो जैसे ओबीसी के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो इनके लिए भी रिजर्व सीट्स का प्रावधान है। हाउएवर द सीट्स रिजर्व्ड वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर राज्य के लेवल पे अलग अलग है। और 1/3 सीटें जितने भी लोकल अर्बन बॉडीज हैं या फिर रूरल बॉडीज हैं इसमें 1/3 सीटें रिजर्व्ड हैं फॉर वुमन कैंडिडेट्स। अभी लोकसभा या इनके लेवल पे अभी वही वुमन रिजर्वेशन बिल जब आएगा तब की बात अलग है, अभी लोकल बॉडीज में 1/3 इनको दे दिया गया। अब जैसे ये बिहार का अभी कास्ट सेंसस हुआ तो उसमें हम देख सकते हैं कि जितना भी पूरा समाज है वो अलग अलग मतलब परसेंटेज क्या है इनकी कास्ट का। तो बैकवर्ड क्लासेस करीब करीब 27% है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस 36% है, शेड्यूल कास्ट 20% के आसपास आबादी है, शेड्यूल ट्राइब 1% के आसपास आबादी है, और अनरिजर्व कैटेगरी ये जो जनरल कैटेगरी हम जिसे कहते हैं ये है 15% 16% के आसपास। तो जनरल कैटेगरी या फिर जिसको हम कहेंगे अगर ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो जो अपर क्लासेस के लोग ये 15-16% है, और बाकी सब जितने लोग हैं ये सब बैकवर्ड हैं या फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, और इसी वजह से इनका रिप्रेजेंटेशन इस सेंस में दिया गया।